तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे 2 HP सिंगल फेस मोटर में कितने KVA का स्टेबलाइजर लगाएंगे। दोस्तों आप कोई भी मोटर के अंदर यदि दोस्तों सही स्टेबलाइजर का चयन नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी मोटर वो जल सकती है या दोस्तों आपका स्टेबलाइजर है वो भी जल सकता है। दोस्तों आपको पता है 2 HP मोटर का उपयोग है लघु उद्योगों, फैक्ट्रियों, समरसिबल जो पानी की मोटरें आती है उनमें, फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों, ट्यूबवेलों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ऊपर दिया हुआ बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों नए नए जो वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 2 HP सिंगल फेस मोटर है वो क्या है, 230 वोल्टेज में वर्क करती है। दोस्तों यदि इस मोटर को सही वोल्टेज नहीं दिया जाए तो दोस्तों ये आपकी मोटर है वो जल सकती है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको पता है स्टेबलाइजर की जो वैल्यू होती है वो KVA में होती है, यानी दोस्तों कितने KVA का स्टेबलाइजर लगाएंगे, जैसे 5 KVA, 3 KVA, 2 KVA या कितने KVA का स्टेबलाइजर लगाएंगे। दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला है, वो दोस्तों KVA बराबर होता है किलोवाट बटा पावर फैक्टर। KVA निकालने के लिए दोस्तों कुछ पैरामीटर्स की हमें आवश्यकता होती है। वो दोस्तों पैरामीटर्स हैं जैसे आपकी जो मोटर है, जैसे कितने HP की मोटर है, आपकी मोटर है वो कितने पावर फैक्टर में वर्क करती है, 0.2 HP की मोटर है वो क्या है 0.80 पावर फैक्टर में वर्क करती है। दोस्तों अब HP को क्या है दोस्तों हमें वाट में चेंज करना होगा, तो 1 HP बराबर होता है दोस्तों 746 वाट। हमारे पास 2 HP की मोटर है तो 746 को हम 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 1492 वाट। अब दोस्तों हमें क्या है किलो वाट निकालना होगा, 1492 में 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.492 किलो वाट, यानी दोस्तों आपके पास किलो वाट आ चुका है। अब दोस्तों क्या है इसी तरीके से आप जैसे आपका जो पावर फैक्टर है, मोटर का पावर फैक्टर है, उससे हम क्या है उससे हम भाग देंगे, यानी KVA बराबर KW बटा PF 0.492 बटे 0.80 तो डिवाइड करने पर दोस्तों ये आ जाएगा 1.865 KVA, यानी दोस्तों 1.86 KVA का दोस्तों आपके यहाँ स्टेबलाइजर लगेगा। स्टेबलाइजर लगाने के लिए दोस्तों आपको पता है जैसे मोटर है वो क्या है कई बार ओवरलोड होती है या दोस्तों किसी प्रकार का लोड इसमें बढ़ता है तो वो एक्स्ट्रा जो कुछ पावर लेगी, स्टेबलाइजर के ऊपर लोड नहीं आएगा, इसके लिए दोस्तों हम क्या 50% एक्स्ट्रा लेंगे। 1.865 KVA का जो 50% एक्स्ट्रा दोस्तों ये आपका आ जाएगा 2.797 KVA, यानी दोस्तों क्या आप लगभग 3 KVA का स्टेबलाइजर वो लगा सकते हैं, यानी दोस्तों आप लगभग क्या 3 KVA का स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ऊपर दिया हुआ बेल आइकन उस प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों नए नए जो वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।